हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग हैं हावड़ा ब्रिज में, और मैं हावड़ा ब्रिज में क्या करने के लिए आई हूँ और एग्जैक्टली मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। क्या मैं हावड़ा स्टेशन में, ये देखिए हावड़ा स्टेशन में पहुँच चुकी हूँ। तो मैं क्या कोई एक नए ट्रिप पर जा रही हूँ, और ये हमारा गाड़ी था, और ये देखिए मेरे पापा पीछे बैकपैक ले लिए, और ये उनका लगेज। अभी गाड़ी से हम लोगों ने सारा सामान उतार दिया। तो मम्मी पापा, ये क्या मम्मी पापा लगेज लेके कहाँ जा रहे हैं, और मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं मुझे बाय कर रहे हैं। तो गाइज़, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन सा ट्रिप है जिसमें मैं नहीं जा रही हूँ, और मैं मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ के निकल गई, जबकि मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्दी एक ट्रैवल सीरीज आने वाला है अपने लास्ट वीडियो पर। और ये क्या, मैं ये फूड कोर्ट पे अचानक से कहाँ से आ गई, और ये इतना सुंदर सा और बड़ा सा फूड कोर्ट आप अभी देख पा रहे हो। और ये देखिए मैं आ गई हूँ इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, और ये यहाँ पे मेरे को एप्पल का काफ़ी सारा लैपटॉप भी दिख रहा था। गाइस, आप ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं, हावड़ा स्टेशन के बाद मॉल कैसे पहुँच गई, फिर लैपटॉप वगैरह वाले जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था वहाँ पे कहाँ से पहुँच गई। तो गाइज़, ये सब कन्फ्यूजन को हटाते हैं और अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं हावड़ा स्टेशन अभी पहुँच रही हूँ, और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, और मम्मी गाड़ी से, मम्मी और पापा निकल गए, जस्ट उतर गए, और मैं खड़ी थी बाहर में उनको, मतलब ये देखिए लगेज वगैरह बाहर निकल रहा है। और मेरे मम्मी पापा घूमने के लिए जा रहे हैं, और वो कहाँ घूमने जा रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। उनका ट्रेन था गुवाहाटी के लिए, तो अभी उनको गुवाहाटी शायद आई थिंक 3:30 बजे का ट्रेन है, तो वो वहाँ पे गुवाहाटी से शिलोंग जाएंगे और कामाख्या टेंपल में दर्शन करेंगे। तो इसीलिए मम्मी पापा जा रहे हैं वहाँ पर, और मैं उनको ड्रॉप करके ये जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ से निकल गई हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आज कहाँ जाया जाए, तो मैंने दिमाग में डिसाइड किया कि आज मैं एक बहुत ही सुंदर मॉल में जाने वाली हूँ। और ये देखिए अभी आपको गंगा नदी दिखेगा, जस्ट लगा हुआ है गंगा नदी, जहाँ हमारा गाड़ी जा रहा है उसके बगल में ही आपको बहुत अच्छा से दिखेगा। एंड ये जो मॉल है ये यहाँ का काफ़ी फेमस मॉल है हावड़ा का, इसका नाम है अवनी रिवर साइड मॉल। मैं पहली बार अवनी रिवर साइड में मॉल में जा रही हूँ। ये देखिए हमारा गाड़ी अंदर चला गया, अभी मैं एस्केलेटर ले रही हूँ बेसमेंट से, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गई। और गाइस, ये मॉल कैसा है, मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग वॉपिंग किया, क्या किया, वो मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगी। यहाँ का फूड कोर्ट कैसा है, आपको क्या यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी। ये देखिए रिलायंस मार्ट, इतना बड़ा आउटलेट। मैंने अवनी मॉल, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड दिस मॉल, इससे पहले कभी भी ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं पड़ा यहाँ आने का। और ये मॉल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा है, इसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं जो मॉडर्न डे मॉल में आजकल सब मिलते हैं आपको। ये देखिए बच्चों के लिए ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, फिर यहाँ पे गेम्स वगैरह, कार वगैरह सब कुछ है, मतलब यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ हियर। तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पर मैं आई डिसाइडेड टू कम, मेरा ग्राउंड फ्लोर देखना हो गया था, तो वहाँ पर मुझे जिस तरीके का शॉप चाहिए था वो नहीं था, तो मैं ऊपर आ गई देखने के लिए कि और एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है जो ख़रीदने लायक है, या फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी पूरा मॉल का एक आइडिया हो जाए, एंड देन यू कैन आल्सो कम टू दिस मॉल। ये देखिए ये है रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स का बहुत बड़ा आउटलेट है यहाँ पर। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना जो लोग कैलकटा से नहीं होते हैं, बट कैलकटा हावड़ा स्टेशन पर उतरे हैं, फिर उसी के अगल बगल होटल्स में रहते हैं, तो उधर पर वो लोग जानना चाहते हैं कि आसपास का क्या मॉल है, और वो सोचते हैं कि एक दिन अगर कैलकटा में स्टे है तो थोड़ा ये भी देख लिया जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो इतना डिटेल तरीके से शेयर कर रही हूँ। और ये ट्रेंड्स में मैं आ गई हूँ, अभी कोई ऐसा खास ऑफ़र नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत ही ऑफ़र था। तो मैं उसके बाद मैक्स में गई, मैक्स में जाने के बाद मैंने कुछ शॉपिंग किया, और ये देखिए मैं जस्ट पेमेंट कर रही हूँ। और मुझे अपना जैसे बेसिक टी शर्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होती ना, ट्रैक पैंट्स एंड ऑल, वो सब लेना था, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल वगैरह करती हूँ, तो इसलिए मैंने बेसिक से वाले कपड़े ही लिए, कोई फैंसी वाला ड्रेस मुझे या कुछ वैसा नहीं लेना था, कुर्ती वगैरह। तो मैंने अपना शॉपिंग कंप्लीट किया, ये करने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ, और ये आपको पूरा मॉल दिखाती हूँ। फैब इंडिया है, सारे ब्रांडेड आउटलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है गाइज़। तो आप मेरे वीडियोज़ को थोड़ा इन तक देखिए, तो आपको मैं पूरा फूड कोर्ट का अच्छे से दिखाऊँगी, पूरा लुक एंड फील आपको समझाऊँगी कि कैसा है क्या है,
और क्यों आपको आना चाहिए। देखिए इतना बड़ा गेम पार्लर है और ये सिर्फ एक लौता गेम पार्लर नहीं है, अभी आपको मैं जब फूड कोर्ट में जाऊँगी तो आपको वहाँ पर भी आपको एक गेम पार्लर दिखेगा काफ़ी अच्छा। और ये है इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स, ये वाला जो फ्लोर है आई थिंक थर्ड फ्लोर था, थर्ड या सेकेंड इसी में से कुछ होगा। तो इसमें आपको काफ़ी सारा गेम, मतलब ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, वो लैपटॉप वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा एप्पल का, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लैपटॉप वगैरह। और यहाँ पे हर तरीके का गैजेट है, अगर मैकबुक का क्या क्या नया आया है मॉडल और ये सारा चीज़ मैं समझ रही थी, अगर मैं दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत देर तक उसमें थी वहाँ पर। मैंने प्राइस का आइडिया लिया, EMI फैसिलिटीज़ क्या क्या है वो सब चीज़ें समझी और फिर अभी मैं जस्ट फूड कोर्ट की तरफ बढ़ी हूँ। देखिए हर, मतलब ना आपको कलर एम्बियंस मूड सब बदल जाता है, जैसे आप फूड कोर्ट पे जाते हो वार्म लाइट्स हो जाती है, नीचे में थोड़ा वाइट टाइप का लाइट्स था, इसको कोजी एंड नाइस बनाने के लिए, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फूड कोर्ट में पूरा वार्म लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, जैसे ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे इतना बड़ा मैकडॉनल्ड्स है गाइस, फूड कोर्ट देखिए बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, मतलब इफ़ यू विल कम हियर ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या खाऊं क्या छोड़ूं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत वैरायटी है और काफ़ी कम प्राइसेस से शुरू होता है क्योंकि हर आउटलेट है यहाँ पे जो अलग अलग प्राइस पॉइंट पे देता है हर तरीके के कस्टमर को केटर करने के लिए। देखिए आप सामने एब्सोल्यूट बारबेक्यू भी है, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो इतना बड़ा जगह है, सिटिंग स्पेस है, आप यहाँ अच्छे से अपने फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसी के अंदर बैंक्वेट हॉल भी है, शादी वगैरह के लिए भी अगर आप देख रहे हो अपनी मॉल को तो आप उसके लिए भी देख सकते हो। एंड देखिए इधर 99 थाली शॉप, मैंने सोचा आपको ये अच्छे से दिखाऊँ, यहाँ पे 99 रुपीज़ में ही मिलता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे प्राइस होगा। एंड ये है पिज़्ज़ा हट, मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो आप देखोगे ना काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस में बना हुआ है, आपको वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। द गेम स्टेडियम ये देखिए, इसके अंदर मैं एंटर करती हूँ, प्राइस काफ़ी रीज़नेबल रखा था, 30 रुपीज़ से आप कोई भी गेम खेल सकते हो, चाहे वो आप गिफ्ट उठाने वाला, ये जो टॉयज़ उठाने वाला गेम हो या कोई भी और गेम हो जिसमें आपको गिफ्ट्स में आप टॉयज़ मिलते हैं, तो ये वाला भी था वन टाइम यूज़ वाला। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने हर तरीके का गेम यहाँ पे गेम पार्लर बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस भी है। देखिए कितने सारे बच्चे लोग भी हैं, मैं तो वीकडे में गई थी तो इसलिए थोड़ा क्राउड कम मिल गया मुझे, वरना वीकेंड में आई डोंट थिंक सो आपको इतना खाली दिखेगा, और वैसे भी वीकडे के भी हिसाब से कोई खाली नहीं है, काफ़ी लोग ही दिख रहे हैं मुझे मॉल में। तो ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट और अच्छा वाला मॉल है। तो गाइज़ आई होप ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं वहाँ से काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं पार्किंग एरिया पर आ गई, तो अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और फिर बढ़ूँगी एक नए डेस्टिनेशन पे, वो मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट टू में। एंड गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया कीजिए, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आपके सपोर्ट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू और बहुत जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट टू पे।